अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, जिस तरह मैंने पिछले भी काफ़ी वीडियो के अंदर बताया कि इल्मुल अदाद के ज़रिए से कैसे चोर मालूम करते हैं, इल्मुल अदाद के ज़रिए से कैसे मालूम करते हैं कि शादी होगी नहीं होगी, ठीक है, इस तरह के जो सवाल होते हैं इल्मुल अदाद वाले, तो वो ज़ाहिर सी बात है उनमें हर हरफ के अलहदा अलहदा से अदद होते हैं जो निकालने पड़ते हैं। तो दोस्तों ने काफ़ी पूछा भी अदाद कैसे निकालते हैं, ये क्या चीज़ है, बाज़ यानी बाज़ को नहीं पता होता, तो उनके लिए छोटी सी एक वीडियो बना के मैं भेज रहा हूँ जिसमें बताया जाएगा कि अदाद कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ये है किताब अमलियत जहांगीरी, इसमें ये देखें इन्होंने दिया है हरूफ और उसके आगे फिर अदद हैं, अदाद मलफूजी, अदाद कमरी, अदाद शमसी, अदाद जाफरी, ज़्यादातर अदाद कमरी चलते हैं और यही मेरे पास हैं और यही ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये ऐसे निकालते हैं जैसे किसी का नाम हा से शुरू होता है तो पहला लफ्ज़ का हा है, हा के अदाद ये कमरी में 8 हैं, ये देख लें इस तरह। तो ये बिल्कुल आसान तरीका तो ये है, और दूसरा जो मैंने अपने पास लिख के रखा है उसमें मैं आपको बता दूं कि ये भी एक है मेरे पास लिखा हुआ, ये जो है वो शॉर्टकट है जिसमें आपको गाफ़ नहीं मिलेगी, आपको अलिफ मद्दा नहीं मिलेगी, हमज़ा नहीं मिलेगी, इस तरह से बाकी हैं ये भी सारे ठीक ठाक, इसमें भी काफ़ी रहनुमाई मिल सकती है, ठीक है। और इसके अलावा जो हैं ये अभी मैंने आपकी सूरत के लिए लिख के रखे हैं इधर ताकि आपको भी सहूलत हो और मेरे लिए भी आसानी हो, समझना बिल्कुल आसान हो। तो ये आदाद हरूफ मैंने इधर इस तरह से लिख के रखे हैं, कोशिश की है मैंने कि आपको नज़र भी अच्छी तरह आए और समझ भी आ जाए। तो ये आदाद यानी अगर आप कहें कि अलिफ मद्दा के क्या आदाद हैं तो ये देखें, अलिफ मद्दा का 1 है, ठीक है। अगर आप चाहें कि हा के क्या हैं तो ये हा के देख लें, 8 अदद हैं, ठीक है। इसी तरह से दुआद के 800 हैं, लाम के 30 हैं, या के 10 हैं, इस तरह से यानी ये आदाद होते हैं हरफ हरफ के लदा लदा आदाद। और इनको निकालना कैसे है, बिल्कुल आसान तरीका। अब यहाँ पर मिसाल देख लें, जैसे कि आपका नाम है आबिद, आपने आबिद के आदाद निकालने हैं, ये हमने लिख लिया आबिद, ठीक है, इसके हमने आदाद निकालने, अगर आपको नजर आ, ठीक है, वरना मैं इस पेंसिल से लिख लेता हूँ बड़ा करके ताकि आपको समझ आ जाए, ये लिख लिया आबिद। अब हमने आबिद के आदाद निकालने हैं कि आदाद क्या है, इसके अलग अलग हरफ कर लें, ये आइन है पहले, उसके बाद अलिफ है, उसके बाद ये बे है, उसके बाद ये दल है, ये है आबिद, आइन अलिफ बे दल, ये लफ्ज़ हैं आबिद के। अब हमने आइन के अलिफ के बे के और दल के इधर से अदद निकाल लेने हैं। अब आइन के कितने हैं, आइन के अगर हम इस तरफ देखेंगे तो आइन के हमारे पास ये आगे जी 70, ये देख लें 70, ठीक है, इसके नीचे लिख दें 70 इस तरह से। अलिफ के कितने हैं, 1, ठीक है, इसका 1 लिख दिया। बे के कितने हैं, 2, इसके 2 लिख दिए। अब दाल के कितने हैं, दाल के ये हैं 4, ये देख लें, दाल के भी और डाल के भी ये 4 हैं, ठीक है, तो हम इधर 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब हमने इनको जमा कर देना, 70, 1, 2 और 4, इनको हमने जमा करना है, 70 और 74, 75, 76, 77, 4, 5, 6, 7 और 70, 77, ये टोटल हमने जमा किए तो ये 77 ये अदद आ गया, यानी हमें पता चल गया कि आबद के जो आदाद हैं वो 77 हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई भी नाम है उसके अलहदा अलहदा अरफ करके इस तरह से ये बिल्कुल आसानी के साथ ऐसे निकाले जा सकते हैं। फिर जो भी उसका यानी आपने करना हो कि वालदा का साथ नाम लिखें उसको जमा कर दें, फिर जो भी उसका हल आपने करना है, जो भी उसका मसला आपने तलाश करना है, वो इस तरह से आदाद निकाल के आदाद हरूफ इस तरह से ये देख लें, इस तरह से ये टोटल हैं सारे, इसमें मैंने सारे लिखे हैं। बाज़ पूछते हैं हमज़ा के कितने हैं, अलिफ मद्दा के कितने हैं, गाफ के कितने हैं, वो बीच में नहीं आता, ये है क्या है, ये है क्या, ये एक ही चीज़ है, या नुक्तों वाली बगैर नुक्तों के बड़ी है, ये सारा कुछ एक ही आता है, दाल डाल के इस तरह से। तो ये सारे मैंने इस तरह से आसानी आपके लिए कि ये इस तरह से आप आदाद निकाल सकते हैं अपने नाम के, और आगे जो फिर आपने करना है उनका कर सकते हैं। इसके अलावा अब तो मोबाइल पर भी काफ़ी सहूलत है, मोबाइल पर एक एप्लीकेशन है अदद कैलकुलेटर, उस पर तो बिल्कुल आसान है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर देखें, ये मोबाइल है, मोबाइल के अंदर ये पड़ी है जी एप्लीकेशन, शायद आपको नज़र आ जाए, अदद कैलकुलेटर, ये इस तरह का इसका नक्शा है, अदद कैलकुलेटर इसका नाम है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम ओपन करते हैं, इस पे तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं बनेगी, ये ओपन होगी इस तरह का इसका इंटरफेस है सामने, यानी इस तरह दिखता है।
अब इस पे अब दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये बिल्कुल आप आसानी के साथ ये कर सकते हैं। इस पे अगर आपने ये वही आबद जो हमने किया था, इस पे लिखें आइन अलिफ बे और ये दाल, ये आ गई दाल, ठीक है। अब ये आ गया जी नाम आबिद, और इसके आदाद कितने आ गए, ये 77 आदाद आ गए, ये देख लीजिए आप 77, ठीक है जी। यानी इस तरह आप बिल्कुल ये इसमें भी आप ना जमा करें ना इस तरह खपें, आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल के ऊपर प्ले स्टोर से, और वहाँ पर जो आप इधर नाम लिखेंगे वो उसकी आदाद इधर दे देगा। तो इस तरह से भी आप आदाद निकाल सकते हैं, जो बिल्कुल आसान है। फिर भी अगर कोई समझ ना आए, कुछ पूछना हो, टेंशन नहीं लेनी आपने। ये देखें कैलकुलेटर में भी कमरी आदाद ही निकाले हैं, जो हमने 77 इधर निकाले थे वही 77 इधर आए हैं, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई समझना हो, कुछ पूछना हो, तो आप बिला झिझक कमेंट में रابطہ कर सकते हैं। इंशाल्लाह रहनुमाई करने की कोशिश की जाएगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।